चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि CO2 और H2O दोनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट जो H2O की शेप होती है वो बेंट होती है और CO2 की शेप लीनियर होती है। इसको डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। तो अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि CO2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। चलिए अब इसके डाइपोल मोमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर कार्बन के अराउंड जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, उन दोनों के ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इक्वल है। तो इसीलिए ये दोनों ही ऑक्सीजन एटम कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑक्सीजन की तरफ इक्वली शिफ्ट होगी। और अगर हम फर्दर देखें तो दोनों ही ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल प्लेनर है और लोन पेयर की डायरेक्शंस भी सेम है, तो इसलिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दोनों ही तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स के साथ खींची जाएगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स के इक्वल इफेक्ट की वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वो ज़ीरो होगा और मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और मॉलिक्यूल लीनियर बना रहेगा। अब बात करते हैं वाटर की। अगर हम वाटर को देखें तो उसमें एक ऑक्सीजन एटम है और वहाँ पर दो हाइड्रोजन है। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वाटर की शेप बेंट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर बेंट शेप ऑलरेडी ली है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। तो अब अगर इस मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग की बात करें, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। और जो दूसरा इफेक्ट है वो है लोन पेयर्स का। क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होगी वो होगी लोन पेयर्स के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जरूर मिलेगी अगर ये मॉलिक्यूल बेंट नहीं होता। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी शिफ्टिंग सिमेट्रिकल मैनर में होती, तब इसके लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं आती। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.84D। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल बेंट नहीं होता और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग सिमेट्रिकल मैनर में होती, तब जो म्यू की वैल्यू थी वो ज़ीरो आती। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि CO2 और वाटर दोनों ही ट्राई एटॉमिक होते हैं, बट दोनों की जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं।